इनक्रेडिबल महाराष्ट्र का। सो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 6 बजे और हम लोग निकल चुके हैं हमारे एक डेस्टिनेशन की तरफ जो है हार्डली 15 किलोमीटर फ्रॉम पुणे, जो मेरे पुणे का घर है वहाँ से हार्डली 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो अभी हम लोग निकलेंगे, शायद 30 मिनट में आराम से पहुँच जाएंगे। एक नदी का लोकेशन है, उस पर छोटा सा डैम बनाया गया है और काफ़ी सुंदर लोकेशन है। वहाँ पे पहुँच के मैं आपको ड्रोन शॉट में दिखाई नहीं वाला हूँ। तो चलिए गाइस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं। और एक्चुअली रोड के बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग का कुछ ये है, तो क्या होता है हमेशा वहाँ पे लोग फंस जाते हैं आधा आधा घंटा, तो इसलिए हम लोग ने जल्दी स्टार्ट किया है थोड़ा 6 बजे। वो मेन रीज़न था जल्दी स्टार्ट करने का, और हम लोग को ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए थी तो इसलिए भी हम लोग जल्दी निकल रहे हैं। हार्डली 1 घंटा हमें वहाँ एक्सप्लोर करने की, मतलब ज़्यादा बड़ा लोकेशन नहीं है और दूर भी नहीं है, तो हम लोग ने डिसाइड किया वीकडे को ही जाएंगे हम लोग और 9 बजे तक आराम से रिटर्न आ सकते हैं। तो चलिए गाइस निकलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। चलिए तो गाइस फाइनली हम लोग कुंडावाला पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो। सो गाइस ये आप देख सकते हो इस इनक्रेडिबल लोकेशन को। सो गाइस वो है मेन स्पॉट सेंटर में, वहां पे बाजू में टेंपल भी है और उस स्पॉट से आपको यहाँ पे भी आना है आगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग रॉक फॉर्मेशंस हो चुके हैं। आप देख सकते हो पूरे रॉक को नदी कट करके करके ऐसे ये देखिए नदी के फ्लो के वजह से काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मेशंस हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने के लिए। सो गाइस इस रॉक फॉर्मेशंस और इस अमेजिंग वाटरफॉल को यहीं पे बाय कहने का वक्त आ चुका है। अभी थोड़ी देर आधा घंटा हम लोग यहाँ पे स्पेंड करेंगे, थोड़ा पानी में थोड़ा रिलैक्स करेंगे वहाँ पे, मगर ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि फ्लो ज़्यादा है बहुत। तो मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये लोकेशन कैसा लगा, और ये लोकेशन हार्डली 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। और गाइज यहाँ पहुँचना काफ़ी ईजी है, जस्ट मैप पे डाल दो और यहाँ पे पहुँचो। बस एक ही चीज़ है कि यहाँ बीच में एक रेलवे का गेट आता है, तो आपको वो क्रॉस जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ट्रेन यहाँ पे आती है तो वो बंद होता है, पर आपको आधा घंटा वहाँ पे वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ध्यान में रखिए, अब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो बाइक या कार से तो आधा घंटा बफर रखिए टाइम और जल्दी से आइए यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे सुबह जल्दी मैं रेकमेंड करूँगा क्योंकि, और वीकडे में रेकमेंड करूँगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है वीकडेज में। अभी आप देख सकते हो मैं और मेरे दोस्त के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यही रिकमेंडेशन रहेगा, जल्दी आइए वीकडेज में आइए। और यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज कचरा मत कीजिए, यहाँ पे काफ़ी क्लीन जगह है। यहाँ पे शायद नदी का फ्लो है इसके वजह से यहाँ से पूरा कचरा फेंके जाता है, मगर यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे कुछ खाने की सामान ला के वहाँ पे कचरा मत कीजिए।